वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। इस बार मैं जा रहा हूँ गोवा, तो अब बहुत ही सडन प्लान बना और मैं सोचा कि इसको ब्लॉग कर लेते हैं। अपलोड करना नहीं करना वो बाद में देखेंगे। तो सीन ऐसा है कि तन्नु, माधव, संकज भैया और रोहित भैया सब गोवा पहुँच चुके हैं। मैं और गोलू अभी निकल रहे हैं गोवा से, क्योंकि हमारी प्लान कल हुई थी अचानक से और अभी हम सडन निकल रहे हैं। आज शाम 6:45 की हमारी फ़्लाइट है, 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे गोवा। डायरेक्ट फ़्लाइट है और अभी तक हमने किसी को नहीं बताया सिवाय तन्नू को। तो हम रोहित भी और संकज भी माधव को सरप्राइज़ करेंगे गोवा जाके, क्योंकि जब तन्नू को पता है कि हम गोवा जा रहे हैं, वो हमको कब से बुला रहे थे बट फॉर सम रीज़न हम मना कर दिए थे, फिर अचानक से प्लान हो गया तो अब फाइनली हम जा रहे हैं। तो हमारा बोटिंग चालू हो गया, अभी डायरेक्ट बैठेंगे और सीधा गोवा। कैब तो ले लिया है बट हमको पता नहीं है कौन से होटल जाना है। तन्नू का फ़ोन लग नहीं रहा है और किसी को हम बताए नहीं है, तो देखते हैं रास्ते में अगर तन्नू का फ़ोन लग जाता है, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा लग जाएगा हमको बागा पहुँचने में, तो उस बीच अगर तन्नू से हमारी बात हो गई तो हमको पता चल जाएगा कि हमको जाना कहाँ पर है। मैं कैब में और हम जा रहे हैं बागा। तन्नू से फाइनली हमारा कांटेक्ट हो गया, वो बताया कि बागा में टीटोस लेन के पास आ जाओ, वहीं मिलते हैं, उसके बाद वहां से हम होटल जाएंगे। फाइनली हम कैब से उतर गए हैं और तन्नू ने लाइव लोकेशन भेजा है अपने को, अरे रोड तरफ तो तन्नू से मिलते हैं। वो रोड पे हो रहा है तन्नू मिल गया अपने को, माधव भी मिल गया। यो यो हम लोग अभी शोरमा खाने के लिए रुके हैं, भूख लग रहा था बहुत जोर से। अब हम जा रहे हैं बीच की ओर जहाँ पे बाकी दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो अभी हम लोग आए हैं बीच में, चलो पहली बार वहाँ बैठे। तो हम फाइनली बीच से अब प्रोसेस ही बाहर निकले हैं हम चारों, मैं, माधव, तन्नू, गोलू और थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे मैगी खाने के लिए रुके हैं टीटोस ले। तो हमारी कार को जानबूझ के पूरा स्क्रैच किया है, यहाँ गोवा हमारी पार्किंग में लगाई थी, देखिए कैसे पूरा स्क्रैच किया हुआ। हमारी दूसरी कार देखो कैसे चढ़ा दी है भैया, ढाई बज रहे हैं और हम यहाँ पार्सल रहने रुके थे, भैया बोले मैं यहाँ खा ही लेता हूँ। मॉर्निंग गाइस, तो हम रेडी हो गए हैं, होटल से निकले हैं अभी कुछ नाश्ता करने के लिए, मैं, माधव, गोलू और तन्नू और संकज भी, ये लोग अभी रेडी हो रहे हैं तो हम सोचे इतनी देर में हम नाश्ता कर लेते हैं।
ब्रेकफास्ट कर लिए, अब जा रहे हैं वापस होटल की ओर और वहाँ से निकलेंगे हम कहीं। फाइनलाइज तो नहीं है कहाँ निकलने का है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखो कोई भी आए, इनका टी शर्ट देखो, पड़ गया हमारा टी शर्ट देखो तो पीछे है। हाँ ये सबका पीछे 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 मुड़ते जाओ। वोट नहीं मोदी जी को देना, आएगा तो मोदी। क्या हम फोटो शूट करा रहे हैं? तो वहाँ पे कैमरा सेट है अपना। अभी फोन सीधा कर रहा है। आप कहाँ खड़े हो रहे हो? चल हाँ कर वहाँ बैठ के। हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे एक्टर हीरो असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारे स्क्रिप्ट राइटर है ये स्क्रिप्ट राइटर। ये हमारी कार का हाल तो मैंने आपको कल रात को दिखाया था ना, तो आप अभी देखिए कैसे इन्होंने स्क्रैच मारा है। जाना है कि नहीं? 9 बजे की बात में। और बेस्ट अभी हम लोग आए हैं कलंगा पुलिस स्टेशन। हमारे कार के साथ स्क्रैच वाली कांड हुई है, उसको कंप्लेन लिखाने। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर नारियल खाने के लिए नारियल यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम। यहाँ पे अगोड़ा फोर्ट में आए हैं अभी, बाहर जुगलबंदी चल रही है। ये देखो इनको देखो, जुगल का पता नहीं बंदी कहीं तो बहुत ज़्यादा चल रही है। ग्रूम ग्रूम मैं बोट के अंदर आ गया हूँ, बाकी सब लोग ऊपर साइड चढ़ गए हैं। मैं अभी अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ जो आ रहा है मेरे से मिलने यहाँ पे। रायपुर का फ्रेंड है मेरा जो हमारे साथ बनारस गया था, उनमें से एक। तो मेरा फ्रेंड आ गया मेरे को लेने के लिए, बॉबी भाई हमारे ताज में स्टे किए हैं, तो मैं अभी आया हूँ ताज में। चलिए देखते हैं यहाँ का प्रॉपर्टी कैसा है। व्यू देखिए आप, ये बागा कलंगूट सब दिख रहे हैं यहाँ। दोस्तों के बीच आ गया हूँ, यहाँ देखिए कैसे फोटो शूट चल रही है। हम लोग निकल चुके हैं पंजी की ओर, पंजी में जाके देखते हैं वहाँ क्या करेंगे। अभी तो प्लान है कि चर्च घूमेंगे, क्या खाना वाना खाएंगे। तो अब हम खाना वाना खा के आ गए हैं पंजी में, फेमस चर्च देखने के लिए। अच्छा ये भी शूट हुआ वहीं पे क्या? चर्च आए थे हम, चर्च हो गया क्लोज 5 बजे तक का ही टाइमिंग रहता है, और हम यहाँ पहुँचे हैं 5:05 में। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम हो गए, नहीं तो हमको एंट्री मिल जाती कम से कम। चर्च तो घूमने का मौका नहीं मिला, तो यहाँ पे म्यूज़ियम में आ गए हैं, सामने में ही है। अब हम रोहित भैया के फेवरेट जगह जा रहे हैं। रोहित भैया बोले हैं बहुत ही अच्छा जगह है, और जगह है मेरा भी है पॉम्फेट, और यहाँ का ऑफिस बहुत अच्छा है, यहाँ का नॉनवेज बहुत अच्छा है। तो चलो देखते हैं कैसा। शंकर भैया ये जगह दिखा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी को दिखता नहीं है वो जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं, और बाहर से देख के लगेगा नहीं कि ये कोई रेस्टोरेंट है, ये लैंडमार्क है ना। देखिए बोर्ड लगा हुआ है स्टार बार का, सामने देखो, सामने देखो, यही जगह है। यही जगह है, चलिए देखते हैं कैसा है। ये कौन से जगह लेके जा रहे हैं संकल्प भी हमको? तो हम पहुंच गए, दिस इज द प्लेस।
और यहाँ आके हमको पता चलता है कि ये बंद है। वाह भाई बंद है भाई, ताला लगा है कैसे क्या? हम लोग आए हैं यहाँ पे चर्च पे, उसके बाद हम शायद फाउंटेनियस की तरफ जाएंगे। तो हमारा फाउंटेनियस जाने का प्लान कैंसल हो गया, अभी हम लोग आए हैं मीरामार बीच में। मीरामार बीच हम लोग वापस से आ गए हैं संकज भैया के फेवरेट जगह, जो हम लोग दोपहर को आए थे ना, जो हमको बंद मिला था, तो अभी वापस से आए हैं शाम को, क्योंकि हमें उन्होंने बताया था कि 7 बजे के बाद खुलेगा, तो अभी जाके चेक करते हैं कि खुला है कि नहीं खुला। संकज भैया, संकज भैया क्या लगता है, खुला मिलेगा? बिल्कुल खुला मिलेगा, पक्का? पक्का, संकज भैया बोल दिए मतलब मिलेगा। वापस से उसी रास्ते में लाइट्स देख के तो लग रहा है कि ये खुला है। खुला है ये, खुला है, खुला है। चलो फाइनली यहाँ पे ये ओपन तो है शॉप, बट हम जो यहाँ पे खाने आए थे वो हमको नहीं मिल रहे। देखो संकज भी अपना चेहरा छुपाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं छुपा पा रहे हैं। छुपाने दिखा रहे हैं बट दिख नहीं रहा है। डार्क जोक्स। वापस अपने रूम की तरफ। चलो रेडी है, वन दोपहर के 3:30 बज गए और ये अभी तक नहा रहे हैं, अभी पूल से निकले हैं ये दोनों। अपना भी दिखा रहे हैं कि तू भी तो नहा के निकला। तो माधव यहाँ फोटोग्राफर। यो संकल भैया रुक जा रहे हैं बीच में, लोग अभी भी नहा रहे हैं। 4 बज गया भाई। मैं बोलूँ तनु हम तीनों रेडी हो गए हैं, माधव का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ खाने निकलेंगे और उधर से फिर घूमने जाएंगे। फाइनली अभी 4:30 बज रहे हैं और हम अब जा रहे हैं बीच की तरफ, शायद हम अंजुना जाएंगे, सनसेट देखने का प्लान है और रास्ते में कुछ खाएंगे, तो चलिए चलते हैं। लेट्स गो। अभी हम लोग आए हैं पारा रोड, यहाँ पे क्या है मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। डियर जिंदगी की जहाँ पे शूट हुई थी। सनसेट देखने, सनसेट हो ही रहा है, हम जस्ट अभी पहुंचे हैं और दिखाता हूं मैं आपको यहां से व्यू। वापस होटल आ गए हैं, यहाँ पे देखिए माधव भाई का जैमिंग सेशन चल रहा है।
के 5:30 बज रहे हैं। फाइनली मैं, माधव, तन्नू, गोलू, हम चारों चेकआउट कर रहे हैं होटल से। हम चारों की फ़्लाइट है 8 बजे। मैं, गोलू और तन्नू तो रायपुर जा रहे हैं, माधव बेंगलोर निकल गए। टाइम टू से गोवा बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम। विदाई देने पहुंचे हैं यहाँ पे संकल्प भैया एंड टीम। हम जा रहे हैं, खुश हो रहा तो जा रहा है, घर जा रहा है, तन्नू घर जा रहा है तो खुश हो रहा है। जाने की खुशी। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी बज रहे हैं 6:30। 8 बजे का हमारा फ्लाइट है। रायपुर लैंड कर लिए। तन्नू बोल भाई, आपको लेने आए हैं सन्नी भाई और आयुष भाई। ऐसे नहीं वैसे, बाय।